रोकिए लल्लन भैया, वो सामने कुएं में एक औरत गिर गई। भागता हुआ राजवीर सीधा कुएं में झांकता है, लेकिन कुएं में सिवाय घुप अंधेरे के कुछ भी नहीं था। थोड़ा गौर लगाकर सुनने पर कुएं की गहराई से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चंदा है तो मेरा, सूरज है तो। लल्लन भैया, ये आवाज सुनी आपने? भैया जी, आप चलिए, मौत के दर्शन कर लिए हैं आपने। खूनी वधू है वो, जल्दी हवेली पहुंचना होगा। आपके पिताजी को पता चल गया तो आज ही हमें नौकरी से निकाल देंगे। भागिए यहाँ से। हैरानी में दिख रहा ये लड़का राजवीर है, इस गांव के मुखिए का बेटा। पूरे 16 साल बाद फूलपुर वापस आया है। 16 साल पहले गांव में हो रही भयानक घटनाओं और मौतों से डर के मुखिया ने अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए गांव से बाहर भेज दिया था। लेकिन राजवीर की वापसी क्या किसी और बड़ी भयानक घटना का संकेत है? क्योंकि गांव में घुसते ही जो राजवीर ने देखा वो ठीक नहीं था। राजवीर भैया, बच गए आप। गलती से भी इस गाँव के किसी कुएं के पास मत जाना। कैसी बातें करते हो, इतना पढ़ लिख के रिसर्चर बने हैं, अब अपने ही गांव में पोस्टिंग मिली है। हमको नहीं पता था कि अपने गांव के कुएं का पानी सड़ जाता है। अब अगर कुएं के पास नहीं जाएंगे तो रिसर्च कैसे करेंगे? लल्लन भैया देख के। लल्लन गाड़ी नहीं संभाल पाता और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराती है। भैया, आपके माथे से खून बह रहा है। मालूम है, मामूली चोट है। मामूली नहीं भैया, ये काला खून है। उसने आपको ढूंढ लिया भैया, ढूंढ लिया उसने। भैया, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। अपने सर से बहते काले खून को देखकर राजवीर भी हैरान था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। लल्लन सीधा राजवीर को घर ले जाता है। आ गया बेटा, चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं बढ़िया चाय बनाती हूँ और तेरे पसंदीदा गोभी के पकौड़े भी बनाए हैं। माँ, बहुत थकान हो रही है और ऐसे कुछ खास भूख भी नहीं। बचपन में तो तूने कभी मना नहीं किया गोभी के पकौड़े के लिए। बड़ा हो गया है मेरा लड़का। मम्मा जी, बड़े तो हो ही गए हैं, लेकिन हमको तो कुछ और ही डर लग रहा है। उससे कितनी बार कहा है लल्लन, ये बकवास ना किया कर, पता नहीं कब किस पे उसका साया आ जाए। हमको माफ करना माँ जी, राजवीर भैया को हम जब तक रोक पाते तब तक इन्होंने शापित कुएं के अंदर झांक लिया। हम तभी समझ गए थे कि ये गलत हो गया। उसके बाद रास्ते में वो बुढ़िया, इनके सर से काला खून बह रहा था, अभी सारा खून गायब है। अशुभ संकेत है बेटा ये, तुझे नहीं आना चाहिए था इधर। मैं अपने लाल को नहीं खोल सकती। सुनिए जी, इसकी वापसी की टिकट कराइए, हम इसको यहाँ नहीं रुकने देंगे। करवाते हैं, लेकिन आज रात तो यहीं काटनी पड़ेगी। एक ही ट्रेन है और वो भी कल शाम की। आप इनको गंगा जल पिलाइए, ये काला खून आना भयानक संकेत है। ये बातें राजवीर के पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन घर वालों के कहने पर वो गंगा जल पीता है और सीधा सोने चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, आधी नींद में राजवीर के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। राजवीर, राजवीर। राजवीर की अचानक आंख खुलती है तो देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दुल्हन के जोड़े में उसके साथ हम बिस्तर है। राजवीर उसे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन राजवीर पूरी तरह उसके वश में था और चाहते हुए भी उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। वो कयामत से सुंदर लड़की लेटे हुए राजवीर के ऊपर बैठती है कि तभी उस लड़की की आंखों से एकदम गाढ़ा काला खून बहने लगता है। बिल्कुल वैसा ही खून जो राजवीर के माथे से बह रहा था। राजवीर चीख कर कमरे से बाहर की तरफ भागता है। माता जी और पिताजी राजवीर की आवाज सुनकर दौड़े चले आते हैं, लेकिन कमरे में दोबारा झांक कर देखने पर वहां ना कोई लड़की थी ना कोई काला खून। लेकिन कुछ ही पल में राजवीर की कोठी के आंगन के ऊपर गहरे काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही पलों में वो बादल बरसने लगते हैं। ये अजीब सी बारिश थी जो पूरे गांव में नहीं हो रही थी, बल्कि सिर्फ
इस आंगन में ही हो रही थी। माँ, ये पानी का रंग कैसा है? पूरा काला पानी है जो आसमान से गिर रहा है। कुछ ही पलों में ये गहरा काला पानी आंगन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस पानी में बिलबिलाते हुए नजर आते हैं गंदे घिनौने अजीब से दिखने वाले कीड़े। बहुत गहरा संकट है, मैं गंगा जल लेकर आती हूँ। राजवीर की माँ जैसे ही गंगा जल उस जमे हुए पानी में फेंकती है वैसे ही बारिश अचानक रुक जाती है और वो बिलबिलाते कीड़े मर जाते हैं। इधर राजवीर बहुत देर में खुद पर काबू पाता है और अब माताजी और पिताजी के साथ ही सोता है। और सुबह उठते ही उस लड़की का चेहरा और उसकी खूबसूरती राजवीर की आंखों में घूम रही थी। लल्लन भैया, गाड़ी निकालिए, मम्मी पापा को मत बताइएगा, हम श्रापित कुएं पे चल रहे हैं। भैया, हम मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। तो बैठो यहीं, हम पैदल ही जा रहे हैं। ये कहकर राजवीर श्रापित कुएं की तरफ निकल जाता है और इधर लल्लन राजवीर के पिताजी को खबर देने भागता है। राजवीर जैसे ही कुएं के सामने पहुंचता है वो हैरान रह जाता है। कल तक जिस कुएं से बदबू आ रही थी आज उस कुएं के आसपास बिल्कुल वैसी ही खुशबू थी जैसे कल रात उस लड़की से आ रही थी। राजवीर जैसे जैसे आगे कुएं की तरफ बढ़ता है तो उसे वही सारी उतरी हुई मिलती है। थोड़ी दूरी पर चूड़ियां, फिर मंगलसूत्र और एकदम कुएं की दहलीज पर वही अंतर वस्त्र पड़े हुए थे जो कल रात उस लड़की ने पहने थे। जैसे ही राजवीर कुएं में झांकता है कुएं से एक डरावना कौवा निकलता है और राजीव की नाक छेदता हुआ उड़ जाता है। कौवे के वार से राजवीर खुद को संभाल नहीं पाता और लड़खड़ा जाता है। राजवीर बस कुएं में गिरने को ही था कि वो अपने कदम संभालता है। कुएं से खुशबू आना और तेज हो जाती है और फिर राजवीर को कुएं की काली परछाई में खूनी वधु की पूरी कहानी दिखाई देने लगती है जैसे शायद खूनी वधु ही अपनी कहानी बताना चाहती थी। राजवीर पूरी कहानी देखता है और तभी राजवीर के पिताजी वहां पहुंच जाते हैं। बेटा, तुझे मना किया था ना, वो खूनी वधु है, कोई मजाक नहीं है, जान से हाथ धो बैठोगे, चलो वापस। पापा, आपने ही मारा था उसको, वो पेट से थी और उसकी कोख में जो बच्चा था वो आपका ही था। पापा, इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं आप? आपने ही उसको खूनी वधु बनने पर मजबूर किया, आपने उसके साथ दुष्कर्म किया, पूरे गांव में उसकी जात का मजाक बनाया और उसको बुरी मौत मार डाला। वो गई नहीं है पापा, वो हम सबको मार डालेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये क्या किया पापा आपने, उसका अगला शिकार आप ही हो, मैंने अभी अभी देखा, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बचाऊं। राजवीर के पिता राजवीर के मुंह से पूरा सच सुनकर सन्न रह जाते हैं और उनकी आंखों के सामने उसके किए पाप घूमने लगते हैं। राजवीर की तेज आवाज अब उसके पिता के ख्यालों को चीर नहीं पा रही थी। लेकिन तभी वही कौवा जो राजवीर पर एक वार कर चुका था वो उड़ता हुआ वापस आता है। जब तक राजवीर उसे देखकर अपने पिता को हटा पाता वो कौवा सीधे राजवीर के पिता की आंख पर चोंच मारकर आंख फोड़ देता है। राजवीर के पिता की आंख से काला खून बहने लगता है और जैसे ही खून की बूंदे जमीन पर गिरती है जमीन से वही घिनौने अजीब से दिखने वाले कीड़े बिलबिला उठते हैं। एक ही पल में हजारों की संख्या में वो कीड़े पनप उठते हैं और राजवीर के पिता के शरीर पर लिपट जाते हैं। हजारों कीड़े राजवीर के पिता के शरीर से खून चूस रहे थे। राजवीर से अपने पिता की दर्द भरी चीखें सही नहीं जा रही थी। राजवीर पास ही रखी बाल्टी से पिताजी के ऊपर पानी फेंकता है कि शायद कीड़े हट जाएं। लेकिन जैसे ही पानी उनके शरीर को छूता है उनके शरीर पर दर्दनाक फफोले पड़ जाते हैं मानो राजवीर ने पानी नहीं उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया हो।
राजवीर के पिता इन कीड़ों और शरीर में उठ रही जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुएं में छलांग लगा देते हैं। कुछ सेकंडों में राजवीर के पिता की लाश कुएं के काले पानी में तैर रही थी। राजवीर जानता था कि वो चाहकर भी अपने पिता को वापस नहीं ला सकता। वो सीधा घर भागता है, अपनी माँ को अपने साथ लेता है और हमेशा के लिए गांव छोड़ने का फैसला करके स्टेशन पहुंचता है। राजवीर और माँ ट्रेन में बैठ चुके थे और कुछ ही घंटों में वो शहर आ चुके थे। राजवीर चैन की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही राजवीर बैग से अपना सामान वापस निकालता है, सामान के बीच एक तस्वीर भी निकलती है। ये तस्वीर? राजवीर जैसे ही उस तस्वीर को देखता है, उसका गला सूख जाता है। ये तस्वीर उसी महिला की थी जो गांव में उस रात उसके कमरे में थी। वो खूनी वधु की तस्वीर थी। राजवीर बिना कोई वक्त गवाए उस तस्वीर को फाड़कर खिड़की के बाहर फेंक देता है। ये कहानी खूनी वधु से प्रेरित थी। खूनी वधु की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।